नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों 6 फरवरी से टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है और दोस्तों इसके लिए दोनों देशों की टीम भी अनाउंस हो चुकी है और दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आ भी चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार हार्दिक पांड्या की इंडियन टीम में वापसी हुई है और दोस्तों हार्दिक पांड्या बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित भी हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बगल में घंटे वाली जो बेल आइकन दिख रही है उसको भी प्रेस कर लेना। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फिट होकर टीम इंडिया में लौटने के तैयार हैं और दोस्तों अपने कमबैक पर उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह तैयार इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर ही हैं। हार्दिक ने कहा कि उनका टारगेट है ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में जिताना। दोस्तों 28 साल के हार्दिक पांड्या के लिए पिछला साल IPL सीजन बेहद खराब रहा था। उन्होंने चोट के चलते गेंदबाजी भी नहीं की थी जबकि बल्लेबाजी में भी बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी उनके प्रदर्शन की जमकर आलोचना हुई थी। इसी खराब प्रदर्शन के चलते मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक को रिटेन नहीं किया था। इसके बाद नई टीम अहमदाबाद ने हार्दिक को अपनी टीम में ड्रॉप किया और कप्तान भी बना दिया। और दोस्तों हार्दिक पांड्या ने यह कहा है कि मेरा मुख्य लक्ष्य है कि पीक टाइम T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही रहे। मेरी सारी ट्रेनिंग प्लानिंग और तैयारी भी इसी को ध्यान में रखकर ही हो रही है। मैं देश के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ। इसी से मुझे सच्ची खुशी मिलेगी और मैं गौरव महसूस करूँगा। यह मेरे लिए एक जुनून की तरह है। हार्दिक ने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर IPL मेरे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। यहीं से मुझे वर्ल्ड कप की तैयारी करने का सही मौका मिलेगा, लेकिन मेरी पूरी मेहनत भारतीय टीम और वर्ल्ड कप के लिए है। तो दोस्तों देखते हैं कि हार्दिक पांड्या वेस्ट इंडीज के खिलाफ और IPL में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और हो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।